अपना परिचय क्या हो सकता है, किताब ही परिचय देती है जिसमें जिसमें मैं हूँ। मेरा नाम प्रताप सिंह है और ये विधा मेरे लिए नई है। मैंने संस्मरण इसी किताब से शुरू किए हैं और ये उन लोगों की सांसें हैं जिनके बीच में रहा, और इसकी शुरुआत रेशमा से है। और वैसा मुगीन, वैसी गायिका अब दुर्लभ है, और उनसे मैं दो बार मिला, एक बार ब्रॉडवे होटल में आयोजन में और एक बार दरियागंज किराया धर्म खां में उनके ठिकाने पर जब वो पाकिस्तान से आई हुई थी। मूलतः वो राजस्थान के रतनगढ़ के ढूँ की एक बंजारन थी, 13-14 साल की एक लड़की, और फिर उनकी ज़िंदगी का सफ़र पाकिस्तान तक महरूम रहा, पाकिस्तान तक रहा, लेकिन वो गले के कैंसर से गुजर गई है। लेकिन उनकी आवाज़ कभी नहीं गुजरेगी, उनकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी। और मैंने अपनी तरफ से उस बंजारन लड़की के आसमान होने की कहानी इस संस्मरण में कही है। इसमें एक संस्मरण हमारे जनसत्ता के एक सिंगर साथी आनंद डबराल का भी है, और उसकी खूबी यह है कि वो सिंगर होते हुए भी ऐसी खबरें खोजता था जो हमारे आलमगीर बड़े रिपोर्टर ब्यूरो के लोग नहीं दे पाए। उसने दिल्ली में रहते हुए जनसंचार, पंजाब केसरी, सांधे समाचार और अंत में जनसत्ता में बेहतरीन काम किया, बेहतरीन पारी खेली, लेकिन एक हादसे में वो गुजर गया। इसमें दो पहलवानों की ज़िंदगी पर भी बातचीत की गई है जो कुश्ती की दुनिया के बड़े आलमगीर रहे हैं, चंगी राम और गुरु हनुमान। इस किताब में और लोग भी हैं जो अलग अलग कलाओं में मास्टर रहे हैं, जिसमें कि सूरज घई साहब और महेंद्र जी, महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह का काम यहाँ से चेकोस्लोवाकिया तक, जर्मनी तक, बनारस तक फैला हुआ है, और उन्होंने डिजिटल पेंटिंग में नए शिखर हासिल किए। इसके अलावा मैंने जनसत्ता के अपने हेडमास्टर हमारे गुरु प्रभास जोशी पर विस्तृत एक संस्मरण देने की कोशिश की है, जिसमें रात की पालियों में रात के 3 बजे तक भी हमने उनको वहाँ पाया है, और उनका जाना और उससे जनसत्ता में परिवर्तन आना भी हमने देखा है, और हमने उनसे बहुत सीखा है। इसमें एक शायर हुए हैं पानीपत के, जगदीश चंद्र जौहर, उन पर भी एक खाका इसमें दिया गया है, और आकाशवाणी में रहे मेलविल डिमेरो साहब, जिन्होंने गांधी जी की अंतिम यात्रा की 6 घंटे तक रिकॉर्डिंग की अपनी आवाज़ में, और जिन्होंने जंगलात में जाकर शेर का भी एक खाका अपनी आवाज़ में तैयार किया है, और उनको दुनिया भर के पुरस्कार मिले हुए हैं, और उन्होंने शादी नहीं की, और वो जोधपुर के रहने वाले थे, यहाँ डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। जब उनका निधन हुआ तो मुझसे कहा गया कि आपको एक बॉटम लिखना है, तो मैंने उन पर लिखा और मन से लिखा। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो साथ साथ इस किताब में बसी हुई हैं, और वो चीज़ें पत्रकारों पर मंगलेश डबराल के अलावा आरएस यादव का खाका है, जो बंबई में किसी समय राजेंद्र सिंह बेदी के साथ रहा, मंटो के साथ रहा, लेकिन आखिर में उसने दिल्ली में पनाह ली, मोरी गेट में।
और फिर उसने अंग्रेजी में पत्रकारिता शुरू की और बतौर अंग्रेजी वो हिंदी में आए, लेकिन उस आदमी ने अंग्रेजी के अखबारों में संपादकीय लिखना नहीं छोड़ा और उसका एक उदाहरण स्टेट्समैन अखबार भी है और उनसे हमारी मुलाकातें कॉफी हाउस में होती थी। तो इस तरह के लोग जिंदगी में आए और अब वो नहीं है तो उनका जाना खलता है और मैं क्या कहूँ, इसमें और भी खाके हैं। जब आप पढ़ेंगे तो एक बड़ा आसमान आपको कलम की दुनिया का, अखबार की दुनिया का, सिनेमा का दिखाई पड़ेगा। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अनिल साहरी से मिला, और अनिल साहरी जिन्होंने स्क्रीन में काम किया और जिन्होंने द वीक में काम किया और हिंदी पत्रिकाओं के लिए हिंदी में लिखा, अंग्रेजी पत्रिकाओं के लिए अंग्रेजी में लिखा, और उस आदमी का हिंदी और वर्ल्ड सिनेमा में बड़ा योगदान है अनिल साहरी साहब का। और वो गुरुदत्त और अरवी के बहुत ही बड़े मुरीद थे और उनके साथ मुझे भी छपने का सौभाग्य मिला है। तो अनिल साहरी भी चले गए हैं, कैंसर में उनकी मौत हुई। उसका एक अलग योगदान यह है कि पुणे में रहते हुए उन्होंने अभंग के अंग्रेजी में अनुवाद किए, और सिनेमा का एक आदमी एक नाथ पर और दूसरे मराठी कवियों पर अभंग पर काम कर रहा है जो कि छंद का काम है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी कई किताबें हैं सिनेमा पर, अंग्रेजी में ज़्यादा है, हिंदी में कम है, लेकिन उन्होंने जो भी लिखा वो यादगार ही है। उनका प्रतिपक्ष में मंगलेश डबराल के समय में गर्म हवा पर लिखा हुआ पीस आज भी लोग पढ़ते हैं, और उसको लेकर जो हमारी राष्ट्रीय फिल्म नीति में एक नकारवाद था उसको भी उन्होंने उजागर किया। इस तरह ये किताब यादों का एक गुलदस्ता है जिसको मैंने पुरनूर करने की कोशिश की। मैं यही कहना चाहूँगा, उजाले उनकी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। इस उन्वान को ध्यान में रखते हुए मैंने इस किताब का शीर्षक चुना, लेकिन इन सब बातों को हमारे तारसप्तक के प्रमुख कवि अज्ञेय जी ने जो कहा है वो मैं सुना रहा हूँ। वही जैसे इस किताब का मुखड़ा है, वही जैसे इसका इंट्रोडक्शन है, और इन पंक्तियों में जैसे हमारी सांसें हैं। अज्ञेय जी कहते हैं, हम न घरों में मरते हैं न घाटों अखियारों में, हम न घरों में मरते हैं न घाटों अखियारों में, न नदी नालों में, न झरते फूलों में, न लहरती छायाओं में, न डाल से छंटी प्रकाश की सिरहनों में, उन सबसे बिछुड़ते हुए हम और उनमें बस जाते हैं और उनमें जीते रहते हैं।